होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा रोशनी शिप्रा से उसके शादीशुदा जीवन के बारे में कुछ सवाल करती है और जानना चाहती है कि इंस्पेक्टर विजय को वो कितना जानती है। इन सवालों से शिप्रा परेशान हो जाती है। इंस्पेक्टर विजय गुप्ता और उस्मान की तहकीकात करता है। रोशनी कमिश्नर से इंस्पेक्टर पांडे की शिकायत करती है। तभी विजय वहां आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। रोशनी कमिश्नर को एक गोली दिखाती है जो उसे मुकेश अग्रवाल के घर में मिली थी। रानी चौहान राहुल से मिलने ऑफिस आती है। उसे लगता है राहुल उससे मिलना नहीं चाहता। शांतनु उनकी सारी बातें सुन लेता है। तनहा तनहा यहाँ पे जीना ये कोई बात है। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, गुड इवनिंग। इतनी रात गए, आप कैसे आए? आइए अरे उस्मान भाई, देखो कौन आया है। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप लोगों से कुछ चंद सवाल पूछूंगा। अच्छा, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन सवाल कुछ जरूरी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अगर आप फोन करके आते ना तो हम आपके खाने पीने का इंतजाम। दरअसल क्या है कि हमारा पार्टनर आज बहुत बीमार है। ओ बाप रे बाप रे, मर गया मर गया। क्या तकलीफ है? वो क्या कहते हैं उसको, कोलरा हो गया, डायरिया। आप लोग डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कॉलरा है डायरिया है क्या है? अरे इंस्पेक्टर साहब, एक ही बात है, कॉलरा में डायरिया हो गया है, डायरिया में कॉलरा हो गया है, सब गड्ढे मड्ढे हो गया है आज तो। अच्छा। अरे पीस हो रहा, 28 बार जा चुका मैं वहां पर, मतलब है बाथरूम में। बस मैं उठता हूँ, जाता हूँ। अबे आता भी तू? हाँ आता भी तू। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता, मुझे आपसे कुछ चंद सवाल पूछने। आप चाहे तो बैठे बैठे उनका जवाब दे सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या पियेंगे, कॉफी चाय, ठंडा गरम, पूरा गरम या पूरा गर्मा गरम? मिस्टर गुप्ता, पहले आप मुझे अपने धंधे के बारे में बताइए, कानूनी और गैर कानूनी। राम 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 राम, हम कैसी बात करते हैं? गैर कानूनी तो हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हम इस देश के वासी हैं और इस देश के कानून की हम पूरी इज्जत करते हैं, पूरी इज्जत करते हैं। हम मुकेश अग्रवाल नहीं है, हमारा एक ही धंधा है टेक्सटाइल का, हम सूती कपड़ा बनाते हैं। टेक्सटाइल्स मैं समझता हूँ मिस्टर गुप्ता, लेकिन क्या करते हैं आप टेक्सटाइल्स में? ये अरे इंस्पेक्टर साहब, बात ये है कि सूरत में हमारी मिले हैं कपड़ों की और हम सूती कपड़ा बनाते हैं। बंबई में हमारा दफ्तर है जहाँ से हम ये कपड़ा बेचते हैं। दरअसल बात क्या है कि मुकेश अग्रवाल ने हमको पार्टी में बुलाया था इसलिए कि वो टेक्सटाइल में रुपया लगाना चाहता था। हाँ, दरअसल उसका इरादा था, वो हमारी मिले खरीदना चाहता था, इसलिए वो हमारी सलाह चाहता था। अब दोस्त होने के नाते हमें सलाह देना बहुत जरूरी थी। अब उस्मान भाई तो आए नहीं रहते, क्यों उस्मान भाई? मैं नहीं आ रहा था, सुन लिया है, चुप हो जाओ, बहुत जोर लगाने पर आए हो। अब क्या है कि जरूरत पड़ने पर दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। अब दोस्त इंडीड, इज ए दोस्त इंडीड।
अरे मैं बात क्या बताऊं आपको इंस्पेक्टर साहब कि वहां मुझे पार्टी शादी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। क्या होता है वहां पर दारू पी के लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और फिर वो खाना भी रद्दी होता है। देखिए ना अभी उस दिन तो हम बिना खाने ही लौट आए। मर्डर हो गया ना दारू पी मुझे ये बताइए मिस्टर उस्मान मिस्टर गुप्ता की जो इतनी सारी दौलत आपने यहाँ पर इकट्ठी करी है आप इसे खर्च कहाँ करते हैं? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है की बात कर रहे हैं जो जरूरत पड़ने पर आप दोस्तों में बांट दिया करते हैं। दूसरों की मदद तो आप करते ही हैं। समाज सेवा तो आपकी रग रग में बसी हुई है। बहुत दर्द हो रहा है। पैसे तो आप देते हैं उधार लेकिन ब्याज पर। हाँ गुप्ता भी यही करता है। आप सब सवाल मुझे ही क्यों कर रहे हो? हाँ ये सही है। हम जान पहचान वालों को रुपया देते हैं और उस पर ब्याज भी लेते हैं। अगर आप इसे गुनाह समझते हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लगा दीजिए हथकड़ियाँ। लगाओ। हाँ लगा दो गुप्ता को हथकड़ियाँ लगा दो। उस्मान भाई की तबीयत कुछ ज्यादा ही नाजुक है, किसी डॉक्टर को बुला के इनका इलाज करवा लीजिए। Yes. अरे पकड़ी ना उसको। ओहो। अरे भैया। देखा क्या कर दिया? रावत साहब आपने बताया क्यों नहीं कि आप हैं? अरे मैं पता तो रहा था लेकिन आप सुने नहीं थी मेरी बात। ये सब है क्या? इन फाइलों में आपके भाई के बारे में आज तक जो कुछ भी छपा है, जितना कुछ भी छपा है वो सब इसके अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, और ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आपने इनको गिरा दिया। मेरे लिए? कमाल कर दिया। You are great, just great. Thank you. ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप मेरे लिए ये सब लाए, आपने तो कमाल कर दिया है रावत साहब। चलिए देखते हैं फाइल्स में क्या लिखा है। कुछ नहीं है इन फाइल्स में, ये सब तो मैं पहले से जानती हूँ। इन फाइल्स में जो इन्फॉर्मेशन है ना, उतनी इन्फॉर्मेशन तो पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस से आपका मतलब उस घटिया पुलिस ऑफिसर विजय पांडे से है ना? देखिए कम से कम मेरे सामने उसके बारे में ऐसी कोई बात मत कीजिए प्लीज। रावत साहब मैं आपकी दोस्त हूँ या नहीं बताइए, हूँ या नहीं? है, है, है। ओके, कल को मैं कोई बेवकूफी करूँ तो आप मुझे बताएंगे नहीं कि मैंने बेवकूफी की है? बोलिए बताएंगे कि नहीं? कम से कम आपको तो नहीं बताऊंगा। मुझे आज तक आपका वो कराते का हाथ वाह। जोक्स अपार्ट, मैं इंस्पेक्टर विजय पांडे को बिल्कुल नालायक समझती हूँ। अरे कुछ नहीं आता उसे, मगर समझता है कि उसको सब कुछ मालूम है। जनाब ने अभी तक किसी पर शक भी नहीं किया है कि कौन है ये खूनी। आप इसे क्या कहेंगे? यही ना कि वो अपने काम में बड़े माहिर हैं। रोशनी जी आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझती। आपको क्या लगता है उसने खूनी को ढूंढने की कोशिश नहीं की? अरे ये केस ही ऐसा है, इतना उलझा हुआ केस है तो कोई क्या कर लेगा इसमें? इतनी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम नहीं पकड़ पाए खूनी को तो फिर नहीं पकड़ पाए, कोई क्या कर लेगा इसमें? भैया का खूनी अब नहीं बच सकता, मैं उसे पकड़ कर रहूंगी। अबे क्या है यार विजय, यार तू भी कमाल आदमी यार है। मैं सारी रात तेरे को देखता रहा और तू अपने घर पे सो रहा है। हाँ बोल। क्यों? क्या हुआ? अरे वही बात तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ उस्मान और गुप्ता के घर? कुछ मिला क्या? उन्हें गिरफ्तार किया क्या? क्या छापू मैं? अरे मेरी बात शांति से सुने यार तू, वो दोनों बेकार है। क्या मतलब? तेरा शक बेकार नहीं क्या? हाँ छोटा मोटा गोलमाल जरूर करते हैं, वो डरे हुए बदमाश है, खून के लाल रंग से भी डरते हैं साले। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था यार तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। ठीक है तू रखा भी, मैं बाद में तेरे को फोन करता हूँ। ओके।
हाँ लिखो, बंद गली के आखिरी मकान पर निराशा, राजीव सिन्हा मर्डर केस एक पहेली। बस इतने पैसे मेरे पास अभी घर क्या? बस इतने पैसे? बस इतने पैसे? क्या तुम मुझे पैसों के भीख दे रही हो? हमारे सारे के सारे पैसे वापस लौटा दो। ले लो नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे फोन पर कहा था कि मैं सारे पैसे नहीं लौटा सकती, थोड़े थोड़े करके दे दूंगी, कहा था ना मैंने। तो फिर लेते समय क्यों थोड़े थोड़े करके नहीं लिए तुमने पैसे? आप भी तो उतावले हो रहे थे कर्जा लेने के लिए। हम धंधा करते हैं। हम कर्ज देते हैं और ब्याज के साथ में पैसा वसूल करना भी जानते हैं। एक बात ध्यान से सुन लो पुलिस कमिश्नर, आप हमें हमारा पैसा लौटा दो फौरन। इसी वक्त, हम ज्यादा वक्त नहीं दे सकते आपको। पर अभी मेरे पास पैसा नहीं है। आप पैसे लाओगे कहीं से भी? अब कहाँ से लाऊंगी मैं पैसा? किसी भी तरह। पैसा नहीं देना चाहती थी इसलिए हमारे पीछे पुलिस लगवा दी। पुलिस? कैसी पुलिस? अरे वो साला विजय पांडे हमारे यहाँ आया था, किसने भेजा था उसको? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर अचानक कैसे आ गया वो हमारे दफ्तर? मुझे क्या मालूम, उसे से जाके पूछो ना। शायद आपको उस दिन पार्टी में देखकर उसे ऐसा लगा होगा कि राजीव सिन्हा का कत्ल आपने किया। शट अप कमिश्नर, और कान खोल कर सुन लो एक बार, आप दोनों तरफ खड़ी नहीं रह सकती। अगर तुमने उन शिकारी कुत्तों का साथ दिया तो फिर तुम्हारा भी शिकार हो जाएगा, समझे? आपको धमकी देता है? किस बात की धमकी दे रहा है साले? ये चाहूं तेरे पेट में सारी हवा बाहर निकाल दूंगा। डरपोक, वापस आना। इस मोटे की लाश लेने। अरे कितनी देर में? कुत्ता! अरे रुकी, ये मुझसे बिजनेस की बातें करने आए हैं। बिजनेस? हाँ हाँ बेटा, हम लोग दोस्त हैं। हाँ। मेरी माँ को धमकी क्यों दे रहे थे? अरे वो मुझसे कह रहे थे कि उनके बिजनेस में मैं पैसा लगाऊं। कैसा बिजनेस? टिक प्लांटेशन, टिक प्लांटेशन का बिजनेस। हम लोग बेच रहे हैं ना शेयर्स। हाँ शेयर, 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 शेयर। तुम दोनों शक्ल से गुंडे लगते हो। गुंडे? हम अभी डैडी को बोल के तुम दोनों बंदा करवा दूंगा। डैडी को कुछ नहीं कहना है तुझे। ये लोग एजेंट से चले जाएंगे। हम तो जा रहे हैं। चले जा रहे हैं। बाय 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 बाय। ये कहाँ है? भैया ये चक्कू मुझे। चल ना, छोड़ ये चक्कू, चल। रोशनी पता है कि टाइम हो गया है? क्या टाइम हो गया है? 2:30 बज गए हैं। इसी तरह काम करती रहोगी ना तो एक दिन बीमार पड़ जाओगी, देख लेना। जब तक मुझे इस केस के पुर्जे के बारे में नहीं पता चल जाए मैं आराम से नहीं बैठ सकती। लाख कोशिश करने से भी मुझे नींद नहीं आएगी। तो फिर भूल जाओ ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए। ताज्जुब है मुझे तुम पर, पति का खून हो गया है और तुम हो कि सब कुछ भूल ही गए हो। दो मेरी फायर मुझे, मैं नहीं भूल सकती, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं अपने भाई की मौत को नहीं भूल सकती और ना ही ये भूल सकती हूँ कि मेरे भाई का खून किया गया था। बोल लो, जो चाहो बोल लो। चोट पहुंचाना चाहती हो ना मुझे? जो मन में आए बोल लो, लेकिन एक बात याद रखना, ये फिर कभी नहीं कहना कि मैं राजीव को भूल गई हूँ, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर मुझे क्यों बोल रही हो कि मैं भैया को भूल जाऊं? इसलिए इसलिए कि तुम्हारे भैया, इसलिए कि मेरे भैया क्या? देखो रोशनी, देखो देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे भैया के बारे में ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो अच्छी ना हो। मेरे भैया के बारे में ऐसी भी बातें जो अच्छी ना हो, क्या कह रही हो भाभी? मुझे समझने की कोशिश करो। सच्चाई का पता लगाते लगाते अगर तो इस नतीजे पर पहुंच गई कि तुम्हारे भैया ने देश के साथ गद्दारी की थी, तो प्लीज प्लीज उनसे नफरत मत करना। देश के साथ गद्दारी? भाभी तुम होश में तो हो? कैसी बातें कर रही हो? मैं आज तुम्हें वो सब कुछ दिखाऊंगी जो आज तक तुमने नहीं देखा। आओ मेरे साथ। ये देखो, ये देखो, ये सब मुझे राजीव के बैंक लॉकर में से मिला है।
भाभी ये सब क्या है? वही जो तुम देख रही हो, और इसके साथ साथ राजीव के बैंक अकाउंट में 75 लाख रुपए जमा है। तुम कहना क्या चाहती हो कि भैया देशद्रोही थे? प्लीज मैं ये कभी नहीं मान सकती। मान नहीं सकती या मानना नहीं चाहती, ये गलत है, जरूर कोई राज है।